हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। कल की क्लास में आपने डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिर हमने ये भी देखा कि फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है वेक्टर क्वांटिटी और सेकंड है स्केलर क्वांटिटी। फिर हमने ये भी देखा कि दोनों को डिफाइन करें अगर अपन स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी उन फिजिकल क्वांटिटीज को कहा जाता है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। और वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसमें कुछ एग्जांपल भी देखा था अपने। तो आज अपन आगे बढ़ते हैं, जनरली वो फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे सिलेबस में है आज उनके बारे में अपन स्टडी कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले अपन ही इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, यानी हम स्केलर क्वांटिटी को अलग से पढ़ेंगे और वेक्टर क्वांटिटी को अलग से पढ़ेंगे। क्लियर है? स्केलर क्वांटिटी और यहां पर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी में देखते हैं अपन डिस्टेंस। सबसे पहले किसको देखते हैं? डिस्टेंस। क्या होता है डिस्टेंस? जब हम इसकी डेफिनेशन लिखे तो सिंपल से डेफिनेशन है इसकी, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे हम यहां पर? जैसे डिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। या कितनी लेंथ कवर करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस के जैसा ही एक वर्ड यहां पर है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। देखो डिस्टेंस तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इसी के जैसा एक और फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किस कैटेगरी में आता है? वेक्टर क्वांटिटी में। उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है? डिस्प्लेसमेंट। तो दो वर्ड अपन ने देखे या दो फिजिकल क्वांटिटी अपन ने देखी, एक तो है डिस्टेंस और एक है डिस्प्लेसमेंट। जब हमने डिस्टेंस को डिफाइन किया तो हमने बोला द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितनी लेंथ या कितना पाथ ट्रेवल करता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। क्लियर है? यहां पर अपन एक एग्जाम्पल लेकर दोनों चीजों को देखते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो पाएगा। जैसे लेट सपोज कोई पर्सन है वो इस तरह से चलता है, ठीक है, इस पॉइंट से, यानी ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से वो 3 किलोमीटर जो है चल करके बी पॉइंट पर पहुंचता है। क्लियर? यानी ऐसे समझो अगर हम डायरेक्शन के फॉर्म में बात करें तो अगर मैं इसको नॉर्थ डायरेक्शन लेता हूं तो ये साउथ है और ये ईस्ट है, यानी एक आदमी स्टार्ट करता है अपनी जर्नी को और ए पॉइंट से स्टार्ट करते हुए वो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वो बी पॉइंट पर रुकता है, फिर वो नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ जो है वापस से कितना चलता है? 4 किलोमीटर के डिस्टेंस चलता है। कितना चलता है? 4 किलोमीटर के डिस्टेंस चल के वापस सी पॉइंट पर स्टॉप करता है। क्लियर? तो यहां ए से लेकर सी तक उसकी जर्नी थी, पहले ए से बी चलता है फिर वापस बी से सी चलता है, ए से बी 3 और बी से सी 4 किलोमीटर। अब क्वेश्चन ये एनालाइज होता है कि ए से सी तक की इसकी जर्नी में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये बताना है। क्लियर है? तो ए से सी तक की जर्नी में
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये करना। तो पहले चलते हैं अपन इसकी डेफिनेशन पे। डिस्टेंस क्या था? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट एक्चुअली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल, क्या कितनी लेंथ या कितना पाथ ट्रेवल करता है एक्चुअल में, उसी को क्या बोलते हैं डिस्टेंस। तो यहां देखते हैं एक्चुअल में कितनी, पहले तीन चला फिर कितना चला चार। तो अगर अपन यहाँ पे डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगी 7 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7 किलोमीटर। यानी एक्चुअल में कितनी पाथ ट्रेवल कर रहा है? 7 किलोमीटर। लेकिन अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में अपन ने डिफाइन किया था इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये इनिशियल पोजिशन है और ये फाइनल पोजिशन, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये वाली होगी? नहीं, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली होगी। यानी ये डायरेक्ट लाइन जो आपको दिखाई दे रही है वो ए और सी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्लियर? तो आप ये चीज फाइंड आउट करनी है। अब उसके लिए हमें थोड़ा सा मैथ्स लगाना होगा। आपको पता है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री है, क्योंकि वो ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये क्या है? 90 डिग्री। अगर ये 3 है ये 4 है, तो आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं? बेस। परपेंडिकुलर और ये क्या कहलाता है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है? एक होता है ना पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर 16 और b 3 का स्क्वायर 9। आंसर 25 और अंडर रूट 25 कितना होता है? 5। यानी ये जो हाइपोटेनस निकले कितने निकले? 5। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकला? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर कितना होगा? 5। अब यहां पर आपने देखा है कि डिस्टेंस 7 और डिस्प्लेसमेंट 5, यानी दोनों एक ही चीज थी देखने में, लेकिन इसके आंसर क्या है? अलग है, क्योंकि डेफिनेशन दोनों की क्या है? अलग, और दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। एक स्केलर है, और डिस्टेंस की बात करें तो स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वेक्टर है। क्लियर है यहां पर? और दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, एक तो एक्चुअल पाथ के लिए है या एक्चुअल डिस्टेंस है, और एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। एक और एग्जांपल मैं कर लेता हूं। एक पर्सन है जो ए से अपने जर्नी स्टार्ट करता है और वो सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। कौन सा पाथ को? सेमी सर्कुलर पाथ को। और ये उसका सेंटर है। क्लियर है? वो उसका सेंटर है। तो वो ए से सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता हुआ बी पॉइंट पे पहुंचता है, और ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है इसकी रेडियस कितनी है? तो इसकी रेडियस है 22 मीटर। क्लियर है? 22 मीटर। आपको बताना है ए से बी के पाथ में डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेता हूं। तो अपन कहेंगे डिस्टेंस क्या है? ये एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये सेमी सर्कुलर पाथ की जो लेंथ है ये क्या है? डिस्टेंस। तो आपको पता है एक सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr, और ये उसका हाफ है। 2πr डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा पाई आर। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आएगा पाई आर। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। और यहाँ रेडियस को ले लेते हैं अपन 21। तो जब आप यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स, आंसर आएगा 66 मीटर। यानी डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितने निकलेगी? 66। लेकिन अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन क्या है? आप कहोगे ए। फाइनल पोजीशन क्या है? आप कहोगे बी। तो इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये वाली होगी? नहीं, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगी? इसका डायमीटर होगी। क्या होगी? इसका डायमीटर। यानी हमें होल एंड सोल इसका क्या निकालना है? डायमीटर। और इसका डायमीटर कितना होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल इसका क्या होगा? डायमीटर। और रेडियस कितनी है? 21, उसका डबल 42, कितना आएगा? 42। तो इस एग्जांपल में भी अपन देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? दोनों अलग अलग है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, एक स्केलर है, यानी डिस्टेंस जो है वो स्केलर है,
और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आज की क्लास में अपन यहीं तक करते हैं, कल बढ़ेंगे अपन आगे और भी नई फिजिकल क्वांटिटी के साथ। थैंक यू।